साइबर सिक्योरिटी या साइबर सेफ्टी एक तरह की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम के लिए एक सिक्योरिटी होती है। इसके द्वारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डेटा को और भी सिक्योर बनाया जाता है, जिससे किसी भी तरह से डेटा की चोरी न हो और सभी डॉक्यूमेंट और फाइल्स सुरक्षित रहें। साइबर सिक्योरिटी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइबर प्लस सिक्योरिटी मतलब जो कुछ भी इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, नेटवर्क, एप्लीकेशन या डेटा से संबंधित है उसे हम साइबर कहते हैं, जबकि सिक्योरिटी सुरक्षा से संबंधित है जिसमें सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी शामिल है। साइबर सिक्योरिटी कैसे काम करता है? साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत एथिकल हैकर्स की एक बड़ी टीम होती है जो आपका डेटा चोरी होने, डेटा डिलीट होने या आपके किसी भी डिवाइस को नुकसान होने से बचाते हैं। साइबर सिक्योरिटी में काम करने वाले बुरे लोगों को गलत काम करने से रोकते हैं। इसके अंतर्गत आपके नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम, किसी प्रोग्राम और आपके डेटा को सिक्योर रखा जाता है। साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है? नंबर एक, हमारे निजी डाटा जैसे कि इमेज, पीडीएफ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या अन्य किसी भी प्रकार के डेटा जो हमारे कंप्यूटर में रहता है उसको सुरक्षित रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी जरूरी है। नंबर दो, हमारा ऐसा कोई भी डेटा जिसमें सिर्फ हमारा कॉपीराइट होता है उसे सुरक्षित रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आपकी कोई कंपनी है उसके डाटा पर सिर्फ आपका ही कॉपीराइट होता है तो उसे कोई चुरा ना ले या कोई दूसरा व्यक्ति उसे इस्तेमाल ना कर पाए, इसके लिए यह जरूरी है। नंबर तीन, हमारे बैंकिंग और फाइनेंशियल डाटा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा बैंकिंग डाटा सुरक्षित नहीं रहेगा तो कोई भी हैकर हमारे बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकता है और आजकल तो इंटरनेट बैंकिंग जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन गया है, इसीलिए बैंकिंग और फाइनेंशियल डाटा को सुरक्षित रखना जरूरी है। नंबर चार, नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब है कि आजकल हमारे देश के डिफेंस सिस्टम में भी साइबर अटैक होते हैं। नंबर पाँच, कुछ ऐसे डाटा या इन्फॉर्मेशन भी होते हैं जो बहुत आवश्यक और संवेदनशील होते हैं, जैसे कि आजकल सरकारी दफ्तरों में भी ज्यादातर काम इंटरनेट के द्वारा ही किया जाता है। अगर किसी सरकारी दफ्तर का डाटा लीक हो जाता है तो इससे भी बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इस प्रकार की डाटा को सुरक्षित रखने के लिए भी साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। साइबर क्राइम के प्रकार। नंबर एक, हैकिंग। इस प्रकार के साइबर क्राइम में हैकर प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसकर किसी दूसरे इंसान के पर्सनल डाटा और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं बिना उस इंसान के अनुमति के। प्रतिबंधित क्षेत्र किसी का पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, मोबाइल या कोई ऑनलाइन बैंक अकाउंट, नेट बैंकिंग हो सकता है। नंबर दो, साइबर थेफ्ट। इस प्रकार के साइबर क्राइम में हैकर किसी कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करता है। यह साइबर अपराध का एक हिस्सा है जिसका अर्थ है कि कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से की गई चोरी। इसके अंतर्गत पहचान की चोरी, पासवर्ड की चोरी, सूचना की चोरी, इंटरनेट समय की चोरी आदि शामिल हैं। नंबर तीन, साइबर स्टॉकिंग। यह साइबर क्राइम सोशल मीडिया साइट्स में ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें स्टॉकर किसी इंसान को बार बार गंदे मैसेज या ईमेल करके उसे परेशान और उत्पीड़ित करते हैं। इसमें स्टॉकर अक्सर छोटे बच्चों और ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जिन्हें इंटरनेट की ज्यादा जानकारी नहीं होती है। इसके बाद स्टॉकर उस इंसान को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, इससे इंसान की जिंदगी काफी तकलीफदायक हो जाती है। नंबर चार, आइडेंटिटी थेफ्ट। इस प्रकार का साइबर क्राइम आजकल काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें हैकर उन लोगों को टारगेट करते हैं जो ऑनलाइन कैश ट्रांजैक्शंस और बैंकिंग सर्विस जैसे गूगल पे, फोनपे, पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं। हैकर्स किसी इंसान का पर्सनल डाटा जैसे अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड डिटेल, इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स आदि जानकारी किसी तरह से हासिल करके उसका सारा पैसा निकाल लेते हैं, जिससे उस इंसान को काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। नंबर पाँच, मलिशियस सॉफ्टवेयर। ऐसे बहुत सारे खतरनाक सॉफ्टवेयर हैकर द्वारा बनाए जाते हैं तो किसी भी इंटरनेट से कनेक्ट कंप्यूटर या मोबाइल के डेटा को न सिर्फ चुरा सकते हैं बल्कि उसे डिलीट भी कर सकते हैं। साथ ही इन सॉफ्टवेयर की मदद से हैकर आपके पूरे सिस्टम को क्रैश कर सकते हैं।
ये सॉफ्टवेयर्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैलवेयर, स्पाईवेयर, वायरस, रैंसमवेयर तथा वॉर्न्स। हैकर्स इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को ज्यादातर किसी लिंक, पॉपअप मैसेज या ईमेल के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं और लुभावने तरीकों से लिंक को टच करने को बोलते हैं। अगर वह इंसान लिंक पर टच कर देता है तो कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल हैकर के हाथों में चला जाता है। साइबर सिक्योरिटी के प्रकार। नंबर एक, एक नेटवर्क एंड गेटवे सिक्योरिटी। इसे नेटवर्क की पहली परत कहा जा सकता है। आपने कंप्यूटर में फायरवॉल का नाम तो जरूर सुना होगा। यह एक नेटवर्क के लिए ऐसी दीवार होती है जो सिर्फ सुरक्षित चीजों को प्रवेश करने की अनुमति देती है तथा असुरक्षित थ्रेट्स को बाहर रखती है। नंबर दो, डेटा लॉस प्रिवेंशन। इस प्रक्रिया में यूजर के सभी डेटा को पूरी तरह एनकोड कर दिया जाता है, जिसमें SSL सिक्योर सॉकेट्स लेयर का प्रयोग किया जाता है। इस सुरक्षा के अंतर्गत सूचना या डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से दूर रखने के लिए एनक्रिप्ट कर दिया जाता है। नंबर तीन, एप्लीकेशन सिक्योरिटी। इसके द्वारा नेटवर्क में उपयोग की जा रही एप्लीकेशंस को एक सुरक्षा प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिससे उस एप्लीकेशन की कमियों को दूर किया जा सके। साथ ही अगर वह एप्लीकेशन असुरक्षित है तो उसे नेटवर्क से बाहर कर दिया जाता है। नंबर चार, ईमेल सिक्योरिटी। अगर आप जीमेल का उपयोग करते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ ईमेल स्पैम फोल्डर में चली जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेटवर्क में ईमेल सिक्योरिटी के लिए स्पैम फिल्टर्स लगाए जाते हैं, जिससे हानिकारक ईमेल्स को यूजर की पहुंच से दूर रखा जा सके, क्योंकि अधिकतर अपराध ईमेल फिशिंग के जरिए ही किया जाता है। नंबर पांच, एंटीवायरस सिक्योरिटी। सभी लोग अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस लगाकर रखते हैं। यह हमारे कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के वायरसेस से बचाता है। आखिर कंप्यूटर में ही हमारी सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और प्राइवेट फाइल्स स्टोर्ड रहती हैं, इसीलिए इसे सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है। नंबर छह, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। इसके द्वारा अनऑथराइज्ड उपयोगकर्ताओं और उपकरणों को नेटवर्क से बाहर रखने का कार्य किया जाता है। ट्वनेसी नेटवर्क की कार्यक्षमता की सुरक्षा करती है। यह सुनिश्चित करती है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता और डिवाइसों तक ही इसकी पहुंच हो। नेटवर्क ऑपरेटर तय करते हैं कि कौन से उपकरण या एप्लीकेशन एंड पॉइंट सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं और उन्हें नेटवर्क एक्सेस की अनुमति दी जाएगी या नहीं। साइबर सिक्योरिटी के फायदे। नंबर एक, इसकी मदद से हम अनऑथराइज्ड एक्सेस से सुरक्षित रह सकते हैं, जिससे किसी भी प्रकार के डाटा लॉस का खतरा नहीं रहेगा। नंबर दो, डॉट साइबर सिक्योरिटी की सहायता से हम अपने नेटवर्क को सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे निश्चिंत होकर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर तीन, आपके पर्सनल और संवेदनशील डाटा को एक सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है, ताकि हैकर आपका आर्थिक या मानसिक शोषण न कर सके। नंबर चार, सूचना सुरक्षा बेहतर होती है और व्यापार प्रबंधन में भी वृद्धि होती जाती है। नंबर पाँच, आजकल ऑनलाइन कैश ट्रांजैक्शन काफी प्रचलन में है, इसीलिए साइबर सुरक्षा के साथ सुरक्षित ट्रांजैक्शन कर सकते हैं।